राज्यसभा चुनाव से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको हम बता दें, बसपा उम्मीदवार रामजी गौतम का नामांकन वैध है। जी हां, रामजी गौतम के नामांकन में कोई गड़बड़ी नहीं है, बसपा की तरफ से लगातार ये स्पष्टीकरण दिया गया है। तो बसपा उम्मीदवार रामजी गौतम का नामांकन वैध करार दिया, ये बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। बसपा की तरफ से रामजी गौतम के नामांकन को लेकर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। गगन सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गगन, तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए थे, अब बसपा की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह से लगातार रामजी गौतम और जो समाजवादी पार्टी के समर्थक प्रत्याशी प्रकाश बजाज हैं, उनके दोनों के नामांकन पर्चों को स्क्रूटनी की जा रही थी, जो आज रिटर्निंग ऑफिसर्स में वो लगातार उन पर्चों को देख रहे थे। क्योंकि प्रकाश बजाज के जो पर्चे में बसपा ने आपत्ति जाहिर की थी कि इसमें जो विधायक है उसके नाम गलत है और असलम शाह की जहाँ की जगह असलम शाह लिखा गया है। प्रत्याशी रामजी गौतम है, उनके चार प्रस्तावकों ने अपना नाम वापस लेने के लिए आवेदन किया था, इसको लेकर लगातार स्क्रूटनी किया जा रहा था और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन दोनों पर्चों को देख रहे थे। लेकिन अभी अभी नेता जो है बसपा के उमाशंकर वो बाहर आकर उसने ये कहा है कि जो उनके प्रत्याशी है रामजी गौतम उनका नामांकन रद्द नहीं माना गया है, वैध माना गया है, वैलिड है। क्योंकि बसपा का तर्क था तीन से एक वो आज नामांकन लेने के लिए आवेदन किया है। तो साफ तौर पर बड़ी खबर है कि बसपा के जो प्रत्याशी हैं फिलहाल नामांकन है वो प्रकाश बजाज का जो नामांकन है वो वैध होगा या अवैध होगा उसकी तभी बाहर नहीं आई है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि रामजी गौतम का पर्चा जो नामांकन है उसके ऊपर की स्थिति के चार प्रस्तावकों ने नाम वापस ले लिए हैं, लेकिन वो वैध माना गया है। ये तय है कि रामजी गौतम मैदान में रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, चलिए अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया गगन।